Please be seated, Mr. Bose. Thank you, Mr. Young. I'm sorry, Mr. Bose. आपको बॉदर करने के लिए मुझे माफ कर दो. But we need to talk. Actually, I'm a bit scared. What happened, Mr. Young? Subhash, PE school में हिंदी इंट्रोड्यूस करना चाहता है. Subhash, और हिंदी? Yes. I'm sorry, Mr. Young. I just can't understand. आज सुभाष की क्लास में मैं गया था मिस्टर बोस मदर टंग के ऊपर स्पीच देने के लिए. वहां पर सुभाष ने स्पीच पढ़ के सुनाया. मदर टंग, मातृभाषा, अपनी भाषा, हिंदी भाषा. इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा. अपनी भाषा अगर नहीं जानोगे तो अपनों की बातें तुम समझोगे कैसे? सच में मैं तो अपनी ही भाषा नहीं जानता, अपने देश को नहीं जानता, देश के लोगों को नहीं जानता. लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा सीखना चाहता हूँ. मिस्टर बोस, सुभाष ने सारा स्पीच हिंदी में सुनाया और वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है. ये रूल नहीं है. मिस्टर यंग, आप जो कह रहे हैं वो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही. सुभाष ने ऐसे क्लास में. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर बोस. सर, सुभाष के दिमाग में अगर कोई चीज घुस गई तो वो उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाता है. इस बार कोलकाता जाके उसने महसूस किया अपनी भाषा जानना बहुत जरूरी है. इसमें गलत बात तो नहीं है सर. बट स्कूल के रूल्स हम ऐसे नहीं तोड़ने दे सकते शरद, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. स्कूल की डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है. लेकिन चार्ल्स ने भी तो अपनी भाषा में बात की, अपनी भाषा को प्रेज किया था. फिर मुझे अपनी भाषा के बारे में, अपनी मदर टंग के बारे में बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? सुभाष, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? तुमने सर से जुबान लड़ाना सीख लिया है? सॉरी मिस्टर यंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मैं कोशिश करूंगा ताकि सुभाष भविष्य में ऐसा कोई काम ना करे जिससे स्कूल की डिसिप्लिन पे सवाल उठे. ऐसा कोई काम ये नहीं करेगा. आई टेक योर लीव मिस्टर यंग देन. शरत, सुभाष को लेकर आओ. चल घर चल, आ जा. इसका मतलब धर्मशाला से निकलकर बाएं तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ है यूरोपियन क्लब. इस निशान को अच्छे से याद कर लो ताकि भागते वक्त हमको रास्ता याद रहे. ए, हटो, ए, हटो, 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 हटो. दिनेश भैया, उस गाड़ी पर नजर रखो. कसाई कही के किंग्सफोर्ड, मतलब यही यूरोपियन क्लब है. और ये कसाई काम के लिए किंग्सफोर्ड यहीं पर आता है और ठीक उसी रास्ते से बाहर जाता है. खुदीराम, खुदीराम हारे या ना हारे, अभी यही हमारा परिचय है भैया. उत्तेजना में हम कुछ भी भूल नहीं सकते. आप ही ने कहा था. हाँ, हमें वापस चलना चाहिए. आज रात में आकर फिर नजर रखेंगे. यह आदमी किस तरफ से आता है यह हमें एकदम अच्छे से देखना होगा. कुछ भी हो जाए, यह आदमी हमसे बचना नहीं चाहिए. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. गोरे अंग्रेजों को खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लेंगे हम. सुशील के पीठ के घाव के निशान मिटने से पहले किंग्सफोर्ड को हटा देना होगा हमें. वंदे मातरम. वंदे. सुभाष मेरे सामने आओ. क्या हुआ है बाबा?
अचानक स्कूल से सुबी को ऐसे क्यों बुलाया गया था? कोलकाता से वापस आने के बाद से ही देख रहा हूँ तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। देखो सुभाष, हिंदी सीखने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीए स्कूल में हिंदी सिखाए, और तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभा, सुभाष ने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने खड़ा होकर कहा कि पी स्कूल में हिंदी सिखाना होगा। हो सकता है वो बस अपनी भाषा सीखना चाहता हो, इसलिए ऐसा कहा हो। बाबा शुभी अभी छोटा है, उसमें इतने अच्छे से बात करने की क्षमता कहाँ है? बहुत क्षमता है शरद, वो तो हर वक्त अच्छे से ही बात करता है, बड़ों जैसी बातें करता रहता है। कौन सी ऐसी बातें वो बच्चों की तरह करता है बताओ तो? मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर ही स्कूल में हिंदी सिखाने की बात की होगी। मैंने देखा है, जब से तुम सबने कोलकाता के किसी लड़के को डंडे खाते हुए देखा है, तभी से मन बदल गया है अपनी भाषा अपनी भाषा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो शुभी, जिसके कारण स्कूल में तुम्हारी शिकायत हो रही है? पिछली बार जब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था, तुम्हें मेडल नहीं दिया जा रहा था, तब मैंने ही तुम्हारे बाबा से बात करने के लिए कहा कि तुम्हारा स्कूल छुड़वा दे। इस बार तुम्हारे बाबा की गलती नहीं है, मैंने खुद उस दिन तुम्हें इतने अच्छे से समझाया, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ आया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शुभी? माँ, मैंने तो बस ये कहा था कि चार्ल्स और उसके सारे दोस्त जब अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, तो हम भी अपनी भाषा में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी सीखेंगे। इसमें क्या गलत है माँ? अपनी भाषा सीखना चाहो तो गलत है? ऐसा क्यों है माँ? सतीश, शरद, तुम सब इसे समझाओ, समझाओ। शुभी, हर स्कूल में उनके अपने रूल्स होते हैं। रेविनशॉ स्कूल में जैसे हिंदी में भाषण दे सकते हैं, वैसे ही ये उनके रूल्स हैं। मैं क्या कह रहा हूँ शुभी, इसी उम्र में तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। हिंदी तो बाद में भी कभी सीख सकते हैं। मैंने, मजले भैया ने, सुरेश भैया ने ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की है। देख सुभी, रेविनशॉ स्कूल भारतीय स्कूल है, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। जब तू वहाँ जाएगा तू भी हिंदी में पढ़ेगा। लेकिन अभी तो तू पी स्कूल में पढ़ता है, अभी तुझे उसके नियम के अनुसार ही चलना होगा। सुभी, सुभाष, इस घर का हर एक लड़का एक समय तक पी स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद दूसरे स्कूल में जाता है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना है। और शरद, इसे समझा दो जब तक पी स्कूल में है तब तक हिंदी को लेकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में मन लगाओ, सिलेबस के बाहर की किताब पढ़कर अपना समय बर्बाद मत करो। शरद, अब से तू भी सुबी से थोड़ा सोच समझकर बात करना, देख रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है। शरद, इसे ले जाओ यहाँ से। और हाँ शरद, सतीश, दोनों अपना सामान बांध लो, आज ही तुम कोलकाता वापस जाओगे और तुम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। मछले भैया, मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, इसलिए बाबा आपको कोलकाता भेज रहे हैं ना? अच्छा सुनो, जरा सतीश और शरद से पूछो कि रास्ते में खाने के लिए कुछ ले जाना चाहेंगे या नहीं। माँ, सुबी को इतनी बार कहा गया है अपनी उम्र के लड़के से बातें कर, फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं है। डांट खाने के बाद में भी वो कुछ सीख नहीं रहा है माँ, कुछ भी समझना नहीं चाहता। क्या कहना चाह रही हो तुम? माँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूँ, सुबी के दिमाग में ये अनाप शनाप सिर्फ दो ही लोग घुसा रहे हैं। दो लोग? हाँ माँ, दो लोग। एक तो जरूर आपका बेटा शरद, और दूसरी है अनु मौसी। अनुमौसी के तौर तरीके मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते हैं, बहुत संदेहजनक लगते हैं। ससुराल वालों का बहाना बनाकर 13-14 पर घर से बाहर गई, और अपने ससुराल में जाकर रुकती भी नहीं। ये जो हम इतने दिनों कोलकाता में जाकर रुके थे, एक बार भी उन्होंने कहा था ससुराल जाने के लिए? माँ,
माँ आप ऐसे आंखें बंद करके मत रहो, वरना इस घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चाहो तो मेरी बात को मिला लेना, उस दिन आपके दामाद जी ने भी तो खत में लिखा था देश की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? शुभी ऐसे काम कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अन्नू को घर से बाहर निकाल दूं। और शरद को बोलना गलत होगा कि वो शुभी के साथ बात ना करे। नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनु मौसी को घर से बाहर जाने के लिए कहो। मैं बस ये कह रही हूँ आप इस मामले में अनु मौसी से थोड़ी बात करो, उनसे पूछताछ करो। और माँ मैं कह रही थी अब से सतीश के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दो आप, शरद की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और विभावती भी कितने दिन बैठेगी आपके मछले बेटे के लिए? तूने जो सिलाई की थी ना वो यहीं पर रखी हुई थी ना? हाँ ये वाला, ये वी भाई ये क्या किया तुमने? अच्छे से सिली हुई चीजें स्वदेशी मेले में दिखकर आ गई। अभी शाम को इसमें से कौन सा? अरे हट ना, क्या सामने खड़ा है? विभा, कल मैंने तुम्हें एक किताब दिया था याद है? कहाँ रख दिया तुमने, मिल ही नहीं रहा है। भैया ये देखो, मिल गया मिल गया। रुको, घर में क्या चल रहा है जरा खुल के बताओगे मुझे? अब घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? ये जो तुम्हारा बचपन का दोस्त मनमाद जी का अचानक से हमारे घर आना और उस वक्त मुझे घर पर रहना, इन दोनों के बीच क्या कोई संयोग है? भैया क्या चल रहा है जरा बताओ मुझे, बोलो ना। विभा तुम तो जानती हो कि माँ शरद बाबू को अपने दामाद के रूप में स्वीकारना नहीं चाहती। बात सुनो विभा, उदास होने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना। ए विभा जरा इस तरफ तो देखो, मुझे सचमुच में समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम इतने कम समय में तुम शरद बाबू को इतना पसंद करने लगी हो। ए, ए, सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? अरे चिट्ठी तो लिखते जाओ। अच्छा, जिसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी जगह है उसके लिए चिट्ठी भी नहीं लिखोगी? मत रहो, चलो अंदर चलकर बैठो। ये क्या, तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी क्यों है? अनंत ठीक तो है ना? मैं कोलकाता गई थी दीदी, वहां पर अनंत दा से मिलकर आई, खुदीराम भी उन्हीं के साथ था, शायद वो कोई बड़ा प्रतिवाद करने वाले हैं। दीदी ये क्या, दीदी सब नीचे गिर गया। वो कौन सा काम करने गया है? इस काम में कितना खतरा है बताओ ना। पता नहीं दीदी, सिर्फ इतना जानती हूं कि वो अपने देश के लिए अपना खून बहाने निकल पड़े हैं।
हम तो सबके सामने ऐसे खून नहीं बहा सकते, इसलिए हमारे भाई, पिता, संतान, करीबी लोगों को उत्सर्ग करके हमारा खून बहेगा। शुभी, 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 क्या हुआ है तुझे? मजले भैया, आप कोलकाता वापस जा रहे हैं। मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, इसलिए सब लोग आपको दोष दे रहे हैं ना? अरे पागल, ऐसा होता है क्या? तूने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? कॉलेज में एब्सेंस ज्यादा हो रही है, ये तो बिल्कुल सच है। सुरेश, तू अब यहाँ पर जब भी आएगा तुझे इसे हिंदी पढ़ानी होगी और सिखानी होगी। नहीं नहीं भैया, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं मजले भैया, उससे पहले ही मुझे पढ़ के खत्म करनी है। इसके बाद जब आप छुट्टी में वापस घर लौटेंगे तब देखना मैं कैसे ये किताब पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन उसके पहले हिंदी कैसे सीखेगा शुभी? बाबा ने क्या कहा याद नहीं है? अभी स्कूल की किताब छोड़कर दूसरी कोई किताब नहीं पढ़नी है। मछले भैया, अगर मैं किसी भारतीय स्कूल में भर्ती हो जाऊँ तो? तब तो मुझे हिंदी स्कूल में पढ़ाई जाएगी ना, मुझे अब पी स्कूल में नहीं पढ़ना। ये सब तो क्या बोल रहा है शुभी? सुरेश, बाबा के सामने इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और तू जा भाई, जाकर अपना सामान बांध जा। शुभी, मैं तुझे मना कर रहा हूं, बाबा के सामने इस बारे में कुछ मत कहना, चुपचाप रहना। तेरे दिमाग में कुछ घुस जाए तो वह आसानी से नहीं निकलता है ना? मेरे पास आ, इधर आ। बैठ। मेरी बातों का बुरा लगा? मैं तो जा रहा हूं शुभी, इस वक्त भी तू मुंह बनाकर बैठा रहेगा? मजले भैया, आपने ही तो मुझे समझाया था अपने लोगों की भाषा जानना कितना जरूरी है, तो फिर क्यों आप सबके सामने बोलने से मुझे मना करते? सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए शुभी, करके दिखाना पड़ता है। मैं तुझे चुप करने के लिए कह रहा हूँ। अब सभी को काम से ही जवाब देना होगा शुभी, वो वक्त अब आ चुका है। आप आ गई अनु मौसी? अच्छा सुनो, मैं कोलकाता वापस जा रहा हूँ। बड़ी दीदी आप पर बहुत ज्यादा शक कर रही है, संभाल कर रहिएगा। क्या फर्क पड़ता है, सबको पता लग जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अपमान करेंगे, छोटे छोटे बच्चे इस देश के लिए जान देने जा रहे हैं, उन सबके लिए इतना तो सहन कर ही सकती हूँ मैं। अनु मौसी, देश के लिए किसने अपनी जान दी? अनु मौसी बताओ ना मुझे, क्या फिर से किसी साहब ने किसी को मारा? बोलो ना मौसी। शुभी तू चुप कर, कुछ नहीं हुआ है। बताओ ना, देश के लिए किसने जान दी? अनु मौसी, आप भी ना, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो यहाँ ये सब कौन संभालेगा? और शुभी, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ नहीं हुआ है। चल अंदर चल, चल। हाँ शुभी, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, फिर सब लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें गलत रास्ता दिखा दिया, लेकिन कौन सा रास्ता ठीक है ये कौन बताएगा?